अच्छा क्या कर रहे हो? अब जूस बना रहे हो? जूस बनाए? हाँ क्या कर रहे हो? नहीं जूस बनाया, जूस बन रहा है। किस चीज का? ओके ये हो गया जूस तकरीबन, मेरे ख्याल में ना अभी तैयार हो चुका है ये। अभी थोड़ी सी चीनी डालेंगे इसमें और ये बिल्कुल तैयार। बस एक चम्मच चीनी, एक सेकंड। चीनी बोल गया था डालने, तो अभी इसमें चीनी डाल दी है और यहाँ हसन की अफ्तारी का इंतज़ाम हो रहा है सारा, ऑलमोस्ट डन। यस आपका जूस तैयार हो गया। सन आ जाओ, क्या खेल रहे हो? अच्छा बढ़ाओ जी कोई चीज़ जी। बढ़ाओ क्या बनाया? वाह बहुत ज़बरदस्त चीज़ बनाई है आपने। बेशक जितनी मर्जी ठंड हो, जितना भी मर्जी ठंडा मौसम हो जाए ना, रमज़ान रमज़ान ही होता है और रोज़ा अपना आप दिखाता है। कल बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई है पिंडी इस्लामाबाद की तरफ और मौसम बहुत ही ज़बरदस्त है, यानी बिल्कुल ठंडा या। लेकिन अभी दिन के तकरीबन 11:30-12 बजने वाले हैं और वो एक जो प्यास की जो पानी की तलब है ना, तलब वो बढ़ती जा रही है। हालांकि मौसम ठंडा है, मैं घर पे पंखे के बगैर सोया हुआ था। एक तो नींद पूरी नहीं होती रमज़ान में और नंबर दो आपका जो है ना वो भूख और प्यास आपको बताती है कि आपका रोज़ा है। ये पीछे खेत है, अभी इधर कटाई हो रही है गंदम की, वो हाथ से कटाई कर रहे हैं। तो मैं जरा अभी इनके पास जाता हूँ और देखता हूँ कि ये कैसा माहौल बना के रखा हुआ है इन्होंने। तो चलिए चलते हैं। अभी मैं इधर ही आया हूँ खेत में, मैंने कहा हो सकता है वो काम कर रहे होंगे, लेकिन इधर नहीं है। मेरे ख्याल में वो सुबह जल्दी आते हैं और 11:30-11 बजे तक चले जाते हैं, क्योंकि रोज़ा होता है सबका, तो उसके बाद गर्मी हो जाती है और काम करना मुश्किल होता है। तो मेरे ख्याल में अभी वो चले गए हैं, लेकिन ये गंदम ये कटी हुई पड़ी हुई है गंदम सारी। ये पीछे आपको नज़र आ रहा है ट्रैक्टर लगा हुआ है और गंदम की कटाई हो रही है, क्योंकि यहाँ पे गंदम की कटाई का सीज़न है, तो इसलिए गंदम की कटाई यहाँ पे जारी है। ज़्यादातर लोग अभी यहाँ पे गंदम की कटाई वो करते हैं मशीन पे, और कुछ लोग जो है वो हाथों पे भी कर रहे हैं। हाथों पे वो लोग कर रहे हैं जिनकी गंदम में बारिश की वजह से ज़्यादा ख़राब हो गई हैं, क्योंकि वो ज़मीन पर लेटी हुई हैं और लेटी हुई फसलें वो है मशीन से नहीं काटी जा सकती। तो अभी इधर भी एक मशीन लगी हुई है, आपको मैं दिखाता हूँ कि ये किस तरह काम करती है। तो चलिए मेरे साथ और देखिए कि किस तरह गंदम की कटाई की जाती है। यह सारी ना ये ज़ाया कर रही है, क्योंकि गंदम थोड़ी सी कमज़ोर है और बारिशों की वजह से ना, बारिशें बहुत ज़्यादा हुई तो लेट भी गई है ज़मीन पे, तो इसलिए ये सही उठा नहीं रही ज़मीन से।
रहेंगे और कुछ लोगों ने काट के ना उनको थ्रेशर भी कर दिया है और उनका अनाज जो है वो संभाल लिया है, उनका भूसा भी भेज दिया है। अभी यहाँ पे मैं हूँ, एक इधर मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ भूसे का ढेर लगा हुआ है और ये आज से तकरीबन 4 दिन पहले इसका थ्रेशर हो गया था। ये सारा भूसा इन्होंने सेल भी कर दिया है और जिसने लिया है उसने भी तकरीबन संभाल लिया है। और ये गंदम आज से 1 हफ्ता पहले तकरीबन थ्रेशर हो गई थी, ये देखिए।